अस्सलामुअलैकुम। आदिल खुशी यूट्यूब चैनल की एक और मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको सैर करवाएंगे ऑस्ट्रिया के इंतहाई खूबसूरत गांव हाल्स्टाड के। हाल्स्टाड पहाड़ों के दरमियान में वाक़ एक छोटा सा गांव है, जिसकी एक साइड पे बहुत बड़े पहाड़ हैं और दूसरी साइड पे खूबसूरत झील है। सबसे पहले जो हमने प्लान किया था कि हम आए और हमने शिप टूर का प्लान किया। जो शिप है वो बेसिकली 6 स्टॉप से होता हुआ आपको एक साइड से लेकर दूसरी साइड, गांव के दूसरी साइड पे लेके चला जाता है। शिप का सफ़र बहुत ही खूबसूरत था। ये जो झील है ये पहाड़ों के बिल्कुल दरमियान में वाक़े है और इसका पानी इंतहाई खूबसूरत और ग्रीन रंग का था। शिप जो था वो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उसके 3 स्टोरीज थी। उसके अंदर बार भी बना हुआ था, आप अपनी पसंद का वहाँ से ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हैं। और छोटा सा काइंड ऑफ रेस्टोरेंट भी था, क्योंकि घंटे की एक ड्राइव होती थी एक शिप की एक साइड की। तो अगर आपको कुछ खाने पीने की भूख का फीलिंग हो रही हो तो आप वो भी ले सकते हैं, कुछ खा पी भी सकते हैं। मोस्टली जो लोग थे हमारे साथ वो सफ़र को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि शिप के टॉप से अगर आप देखें तो आपको पहाड़ों और पानी के दरमियान ऐसे फील ही नहीं हो रहा था कि ये झील का पानी इतना खूबसूरत नज़र आता था। लोग धूप को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही प्यारा मौसम है। इस छोटे से गांव में 2 चर्च थे, एक कैथोलिक का और एक प्रोटेस्टेंट का। झील की एक साइड पे तो बहुत ज़्यादा घर थे, जबकि इसकी दूसरी साइड पे जैसा कि आप देख सकते हैं लोग कम हैं, लेकिन वो थोड़े से लोग आप वहाँ पे हाइकिंग कर सकते हैं। एक पहाड़ पे आपको साल्ट माइंस भी नज़र आती है, अगर आप विज़िट करना चाह रहे हैं तो ऊपर पहाड़ के आप माइंस पे भी जा सकते हैं। हमारे पास टाइम की कमी थी तो हमने वो विज़िट नहीं की। जैसे ही आप शिप से उतरें तो आपको बिल्कुल हाल्स्टाड के सिटी सेंटर के अंदर ले आते हैं, जहाँ पे मेन कैथोलिक का चर्च है। जैसे ही हम शिप से उतरे तो बड़ी तेज़ मूसलाधार बारिश स्टार्ट हो गई, जिसने हाल्स्टाड का जो नज़ारा था वो दुबला कर दिया। ये हाल्स्टाड का सिटी सेंटर है, जिसके एक साइड पे चर्च है और दूसरी साइड पे मकानात बने हुए हैं, जो कि एक मार्केट है। इसमें रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, सुवेनियर परचेज़ करने के लिए भी दुकानें हैं, आइसक्रीम वगैरह भी आप परचेज़ कर सकते हैं यहाँ से, और अपनी पसंद के जो खाने यहाँ से ऑस्ट्रियन कुज़ीन है वो भी इंजॉय कर सकते हैं। ये वो खूबसूरत चर्च और साथ उसके बहुत ही खूबसूरत मकानात। ये इस चर्च का अंदरूनी मंजर, उसके साथ एक कारपेंटर की दुकान थी। अगर आप कश्ती खुद चला सकते हैं तो आपको शिप टूर करने की ज़रूरत नहीं, आप कश्ती लेकर उस पर भी राइड ले सकते हैं झील की, जो कि एक इंतहाई खूबसूरत नज़ारा है। ये हाल्स्टाड की गलियां, लोग घूम मौसम बारिश की वजह से लोग एंजॉय कर रहे थे। हमने भी सिटी टूर किया छोटा सा। ये सुवेनियर की एक इंतहाई खूबसूरत शॉप थी, जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के सुवेनियर पड़े हुए थे, मिट्टी से प्ले कार्ड्स, शीशे के सुवेनियर्स। बारिश की वजह से मौसम बहुत खूबसूरत हो गया था और लोग हाल्स्टाड की गलियों में मौसम को लुत्फ़ानंदोज़ और उससे तस्वीर और सेल्फीज़ बना रहे थे।
मुख्तलिफ छोटा सा टाउन, 1300 इसकी टोटल पापुलेशन है, लेकिन जहाँ पे इतने ज़्यादा सयाह आते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं वहाँ पे। ये देखें आप, एक साइड पे झील है और दूसरी साइड पे पहाड़ हैं, पहाड़ों के साथ ये छोटे सा टाउन है। लोगों के कुछ ज़्यादा मकानात नहीं है यहाँ पे। ये देखें, वहाँ से हम इधर पैदल चल के आ गए हैं, इतना सा ये टोटल टाउन है। ये अब हम वापसी के लिए तैयार हो रहे हैं, वापस जाने के लिए। इस्माइल बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। अगर आप शिप के साथ नहीं आना चाहते तो आप पैदल भी उस साइड पे जा सकते हैं, पूरा सिटी घूम, टाउन घूम सकते हैं, कोई इतना बड़ा नहीं है, 2 घंटे में आप सफ़र कर सकते हैं। अगर आप प्लान करते हैं यहाँ आने के लिए तो ज़्यादा कोशिश करें कि एक दिन के लिए बहुत है काफ़ी। तो अभी हमने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह की मज़ेदार वीडियो आपके लिए और बनाते रहें। अपना ख्याल रखें और हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।